ब्राह्मण और नाग मुंगूस की कहानी। एक समय की बात है, एक दयालु ब्राह्मण के पास एक पालतू मुंगूस था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वह यात्रा पर जा रहा है और घर का ध्यान रखे। ब्राह्मण की पत्नी के पास एक बच्चा भी था। एक दिन वह पानी लाने गई और मुंगूस को बच्चे की देखभाल में छोड़ दिया। जब वह बहुत दूर गई थी, एक सांप घर में घुस गया। मुंगूस, जिसने समझा कि यह बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, ने सांप को आक्रमण किया और मार डाला। खून से भरा हुआ मुंगूस ब्राह्मण की पत्नी की लौटने का इंतजार करता रहा, सोचता है कि वह इसके रक्षात्मक कृत्य से खुश होगी। लौटते समय ब्राह्मण की पत्नी ने खूनी मुंगूस को देखा। सोचते हैं कि इसने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। एक क्रोध में उसने मुंगूस पर एक बर्तन फेंका, जिससे उसे मार गिराया। बाद में उसने सांप का शव देखा और समझा कि मुंगूस ने उसके बच्चे को बचाया है। खिन्नता और दुख में डूबी।